वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जट सूस। फॉर मोर इंफॉर्मेशन चेक द डिस्क्रिप्शन। हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के सामने एक रिव्यू देने जा रहा हूँ सूस का। सूस है, प्लीज़ रिव्यू देखने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, जिसका नाम है जट सूस। और मैं आपको उसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा शूज़ के, जो ये वाला शूज़ है। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। इस शूज़ का नाम है पूमा सॉफ्ट राइड रिफ्ट टेक बॉम्ब्स कॉस्टलेस का शूज़। पूमा सॉफ्ट राइड के नाम से सर्च कर सकते हैं इसको, पूमा सॉफ्ट राइड के नाम से, ठीक है। इसके एक एक स्पेसिफिकेशन बताऊंगा मैं आज, क्योंकि ये शूज़ है और सब शूज़ों से कुछ अलग हटके है, और कुछ इसका रेट भी है वो कुछ इसका अलग है जो मैं आपको बताऊंगा। और इसका शूज़ के बारे में कुछ ये भी स्पेसिफिकेशन है कि ये EMI में पे भी अवेलेबल है, EMI पर, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। EMI कितने रुपया है इसका मैं ये लास्ट तक बता दूंगा आपको, लेकिन आप इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम पूमा सॉफ्ट राइडर रिफ्ट टेक शूज है। इसका जो साइजेस हैं इसमें, इसके साइजेस हैं वो आपका है आपका 6, 7, 8, 9, 10, ये है आपका साइजेस इसके। इसका कलर जो आप देख रहे हैं वो है कॉस्ट रॉक, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये वाला कॉस्ट रॉक ऑरेंज, मेरा ऑरेंज है कॉस्ट रॉक ऑरेंज ग्रो पूमा ब्लैक, ये ब्लैक, मतलब तीनों कलर को कंबाइंड करके लिखा है इसमें कॉस्टल रॉक ऑरेंज ब्लैक पूमा शूज, ये है। इसके क्लोजअप के बारे में कर लेते हैं, लेजर वाला है ये लेजर है इसमें, ठीक है। इसका जो साइज है वो शूज़ का विड्थ है वो आपका मीडियम है। इसमें कुछ नैरो क्वालिटी के भी हैं, क्योंकि शूज़ जब इतना अच्छा है और जो आप लुक देख रहे हैं इतना बढ़िया है, तो कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि आपका नैरो और मीडियम दोनों ही मिलते हैं, मतलब 6 का नैरो भी है, 6 का आपका लार्ज मीडियम भी है, 7 का मीडियम भी है, और 7 का लार्ज और नैरो भी है, ठीक है। स्टाइल का नाम है इसमें सुपरनल न्यू, और आपका ये मटेरियल बना हुआ है जो ये मटेरियल यूज़ हुआ ये वाला, और इसके अंदर शूज़ के जो यहाँ पे अंदर जो यूज़ होता है जहाँ पर आप पैर रखते हैं उसके मटेरियल के बारे में दिया, ये रबर का है इसका, रबर का, और जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया है ऊपर में वो आपका मैश यूज़ किया है, कौन सा किया गया, मैश का यूज़ किया गया, ये मटेरियल टेक्सटाइल है, ये वाला टेक्सटाइल यूज़ किया गया, मैश और टेक्सटाइल यूज़ किया गया, यहाँ पर रबर का यूज़ किया गया सोल में, जैसे तरीके से आप यहाँ प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कि उसका ये रबर का यूज़ किया गया सोल इसका। इसकी रिफंडेबल भी है, वारंटी पीरियड्स 90 डेज है इसकी, और रिफंडेबल से इसका विद इन द 40 डेज, 20 डेज है इसका रिफंडेबल से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं क्या क्या और स्पेसिफिकेशन है इसमें, कुछ थोड़े से और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। इसकी जो वेट है, इतना लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा, जो आपका 650 ग्राम का है, सिर्फ और सिर्फ 650 ग्राम का। इसका आइटम नंबर लिख लीजिए, आप पूमा ब्रांडेड हैं तो फिर इसको आइटम नंबर के हिसाब से भी मिलता है, तो ये आइटम नंबर इसका 1952205 02, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 1952205 02। तो इसका आइटम नंबर मैंने आपको बता दिया है, वेट के बारे में बता दिया है मैंने, इसकी डायमेंशन है वो बहुत स्टैंडर्ड है, 16x8 का सेंटीमीटर का है, बहुत ही अच्छा है, और प्रॉपरली इसे डिज़ाइन जो किया है और बनाया भी है, मैन्युफैक्चरिंग जो किया हुआ है वो पूमा ने ही किया हुआ है स्पेशली। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका लिमिटेड होती हैं, एक तो एथेमिना नाम की है, तो उन्होंने हायर ना करके खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कराया है, और इसकी डिज़ाइन उन्होंने खुद ही और खुद ही वो इसके प्रॉपरली पैक कर रहे हैं, इम्पोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं, खुद ही करते हैं। आइटम का वेट 650 ग्राम। अच्छा चलिए,
अब मैं इसके रेट की बारे में बात कर लूँ। इसका शूज का जो रेट है वो है 5,000। लेकिन इस सबसे अच्छी बात है, अगर रेट चाहे कितना भी हो लेकिन इसका ईएमआई पे भी ये अवेलेबल है। तो ईएमआई के रेट के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 245 रुपये है। कितना है? 245 रुपये का ये शूज अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे लगता है मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दे दी है। तो आप प्लीज़ यूट्यूब को एक बार सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस भी कर लें। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप A to Z में सारा कैलकुलेशन आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विद बेल प्रेस आइकन।